अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई खिजर आलम एकदम मस्त भला चंगा। तो गाइस कैसे हो आप लोग, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। और पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है जायकाए दिल्ली की, वो मुझे बताओ कैसी हो। जिसने नहीं देखी तो मैं यहाँ ऊपर लिंक दे दूंगा। तो बस आज मैंने अभी ब्लॉग ऐसे स्टार्ट कर दिया है। इस वक्त टाइम हो रहा है शाम के 5:10 और अभी मैंने फोन उठा के ब्लॉग ऐसे स्टार्ट कर दिया है। और अभी मैंने कुछ सोचा नहीं हमें कहाँ जाना है, लेकिन हाँ हमारा कुछ प्लान है। हम जाने वाले हैं कि भाई, और मैंने थोड़ा बहुत देखा है, थोड़ा सोचा, और अभी हमने मतलब दिमाग में आया कि चलो ऐसे निकलते हैं। और हमने मैंने एक बार जाफराबाद के मेन रोड पे कोई टर्किश करके कुछ था वो देखे था एक शॉप, तो चलते हैं वहाँ देखते हैं ओपन है कि नहीं। बस तो फिर देरी किस बात की यार, चलो हमारे साथ और वीडियो को एंजॉय करना। अभी अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट कर दो। तो चलते हैं फिर, देरी किस बात की, हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहो। तो यार तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता हूँ। हम गए थे यहाँ जाफराबाद, जो कि हम गए थे मतलब गए थे बस, ठीक है। हम गए थे अरेबियन कुजीन और टर्किश। अच्छा, तुमने देखा ना क्लिक बैट क्या होता है? क्लिक बैट वो होता है जो दिखाओ कुछ और अंदर से कुछ और निकलता है। तो वो टर्किश शवारमा रोल कुछ वैसा ही था, दिखाया टर्किश शवारमा रोल, अंदर से निकली चाय की टपरी। उसके बाद हम आगे गए, एक क्रिस्पर्स था बर्गर वगैरह का। और उसके बाद हम आगे गए तो था अरेबियन कुजीन। और हमने अब देखा, हमने आज बहुत सारे जो है रेस्टोरेंट वगैरह एक्सप्लोर किए। तो हम इंशाल्लाह आपको अगली बार वहीं लेके जाऊंगा। हमने अर्तुरुल जो बहुत फेमस सीरीज़ है टर्किश की, वाली भी देखी। तो बाकी अभी तुम खाना देख के सोच ही गए हो, समझ ही गए होगे हम कहाँ आए हुए हैं। हम इस वक्त आ गए हैं थोड़ा साउथ इंडियन देखने ना, मद्रास कैफे। इधर उधर का देखो, थोड़ा व्यू देख लो पहले। ठीक है ना, तो अभी हमने यहाँ पे, ठीक है ना, अभी अब हम बहुत देखो बारिश में भीग भी गए बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना, दिक्कत भी। और हाँ, आज हमने एक पुलिस वाले अंकल की मदद भी करी। वेरी डेंजरस, बहुत अच्छा लगा दिल से। तो देखो यहाँ का पहले आप मेन्यू देख लो, अभी हमारा हमने आया ऑर्डर थोड़ा धीरे आ भी रहा है, पहले मेन्यू देख लो यहाँ का। और अभी फिलहाल हमने मंगाया है पनीर डोसा, इडली और वड़ा। तो फिलहाल हमारा इडली और वड़ा तो आ ही गया है भाई। ये एक प्लेट में दो इडली और एक प्लेट में दो वड़े हैं। फोटो में तो यार इतने अच्छे दिख रहे हैं, तो देखना फोटो में, देख रहे हो, ये भी क्लिक बेट ही है भाई। दिखाना पहले, ये है इडली, ये चावल के आटे से बनी हुई होती है, चावल का जो थोड़ा आटा टाइप होता है। तो तोड़ दे, बिल्कुल फ्लफी है यार, बहुत ज़्यादा फ्लफी, देख रहे हो, बिल्कुल फ्लफी है। और बाकी दोनों जगह में ये तो है कोकोनट चटनी, ये सांभर है गरम गरम सांभर। और बाकी ये शायद रेड वाइन चटनी, शायद मिर्चों की चटनी है। चलिए ट्राई करते हैं यार, वो है देख लो, ये इसमें सांभर में डिप करेंगे। ये तो हमने पता नहीं क्या बना दिया। चलो खाते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चटनी वाली रेड वाली यार थोड़ी स्पाइसी है, ये वाली चटनी थोड़ी स्पाइसी है। कोकोनट चटनी नॉर्मल है और सांभर जैसा होता है वैसे ही सांभर, सांभर को टेस्ट करते हैं अलग से। ओ यार मुंह जल गया मेरा, सांभर थोड़ा फीका फीका सा है, नमक की कमी है, लेकिन इन दोनों के साथ मिलके बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल सही आ रहा है, मज़ेदार। अब बड़ा भी जल्दी से देख लेते हैं, इसके अंदर हरी मिर्च वगैरह है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसको पहले हम बिना सांभर के चखते हैं, बिस्मिल्लाह। इसकी लेयर जो है ये थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी है और अच्छी लग रही है,
दोनों चीजें बेस्ट है, बाकी पनीर डोसा आएगा तब मैं आपको दिखाता हूँ। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। तो भाई अब आ चुका है हमारे पास हमारा पनीर डोसा, ये देखो सही है ना, रोल वाला रोल जो होता है वो पैकिंग के नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अभी जो हम है वो मतलब ट्रायंगल शेप दे दिया यार, ये पनीर डोसा है और पूरा फिल है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जो मैं तोड़ता हूँ इसे तो देखो यार बिल्कुल फुल पनीर से भरा हुआ है ये, जल्दी से लेते हैं हम इसका एक निवाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, ऊपर जो डोसा का जो बैटर होता है ये जो बनाया है ये बहुत क्रिस्पी है, बाकी अंदर जो पनीर है ये अंदर का जो पनीर है यार वो भी बहुत टेस्टी है, ज़्यादा मिर्च वगैरह नहीं है, बहुत अच्छा है। तो खाता हूँ मैं इसे और जल्दी से फिनिश करना है, बाकी इतने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी इतने चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तो वीडियो को लाइक करो, जल्दी जल्दी खाते हैं और चलते हैं घर। चलो 346 मिनट्स लेटर। तो गाइस देख सकते हो हम लोग खा के बिल्कुल फारिग हो चुके हैं और बस अभी हमारा पेट भर चुका है, घर पे पता लगा है बिरयानी बन रही है। अजीब जानवर है, तो मैं आपको घर पे चल के बिरयानी भी दिखाऊंगा, अभी मैं ब्लॉग एंड नहीं करता। तो बस अभी हम खा चुके हैं ये साउथ इंडियन फूड, बहुत ज़्यादा टेस्टी था और अच्छा था टेस्ट में यार, नॉट बैड। हाँ मुझे आज अच्छा लगा यार। अच्छा ये जो लोकल फूड्स होते हैं ना, जाओ यार बहुत अच्छे होते हैं, आप भी यहाँ आओ यमुना विहार के इलाके में मद्रास कैफे, बहुत अच्छा है, घर बिरयानी खाएंगे। चलो तो हाँ अब हम आ चुके हैं अपने घर पे वापस और अम्मी ने बनाई है बिरयानी, लो तुम भी चुसनी चूसो, चुपा जो अभी अम्मी बिरयानी बनाई है। अब देखो हम ऑलरेडी यहाँ इतना भरकर आ चुके हैं और हम दोबारा से अब बिरयानी खाएंगे, तो भाई अगर हम नहीं खाएंगे तो फिर छोटी भाई किसको खाएंगे, सही है ना। तो चलो ये अम्मी, तो भाई देखो ये है अम्मी स्पेशल बिरयानी, ओए 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 फुल मजेदार, ये है हमारी अम्मी स्पेशल बिरयानी प्लेट में, और यार देखो क्या बोटियां है भाई साहब, और जल्दी से टेस्ट करते हैं इसका पहला निवाला। ये देखो यार क्या लग रहा है ना, बोटी फुल बीफ, ये देखो यार ओए 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 बोटी बार बार गिरे जा रही है, इसलिए इसको मुंह में ले लेते हैं, जल्दी से पहला निवाला देते हैं अपना। तो यार देखो जल्दी से टेस्ट करते हैं और बताता हूँ मैं आपको कैसी बिरयानी है। देखो बिरयानी यार बहुत अच्छी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नंबर बिरयानी यार, 10 out of 10, बल्कि 10+, बहुत टेस्टी बिरयानी है, मुझे यार वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो जब तक के नहीं और इतने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ यार आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगली बार हम और अच्छी जगह जाएंगे और मजेदार खाना मैं आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अस्सलाम वालेकुम। अजीब जानवर है।